नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राज और स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल कार टेक में। हेलो दोस्तों, मैं राज और आप देख रहे हैं टेक्निकल कार टेक। दोस्तों ये हेडलैम का स्विच है, देखिए हेडलाइट स्विच एल टाइप। दोस्तों हम इसके कनेक्शन के बारे में जानेंगे। देखिए इस पर कोई नंबरिंग नहीं है और इस पर ए है, इस पर आर लिखा है और इस पर एच लिखा है। तो दोस्तों ये बैटरी का इस पर डायरेक्ट मेन रहता है, जब नहीं है बैटरी का पॉजिटिव ये वायर डायरेक्ट इस पर मैन दे दिए है। और ये रहा मेरे टेस्टिंग लैंप, ये रहा टेस्टिंग लैंप। तो दोस्तों अभी ये स्विच बंद है, तो बंद है तो देखिए ये डायरेक्ट मेन है, ये रहा आर और ये रहा एच, और सॉरी ये रहा ए और ये रहा आर और ये रहा एच, ये किसी पर करंट नहीं है। दोस्तों हम इस पर हाई बीम का कनेक्शन इस पर करते हैं, पार्किंग का इस पर करते हैं और लो बीम का ए पे कर देते हैं। ए पर लो बीम, आर पे पार्किंग और एस पे हाई बीम। तो दोस्तों जैसे हम एक पॉइंट चालू करेंगे इस स्विच को, एक पॉइंट चालू किया तो देखिए ये लो बीम पे भी करंट आ गया और ये पार्किंग पे भी करंट आ गया और ये हाई बीम पे करंट नहीं है। जैसे हम दूसरा पॉइंट चालू करेंगे तो ये एप से करंट कट गया और ये एस पे करंट आ गया, ये एस पे करंट आ गया और ये आर पे करंट है। पहला पॉइंट चालू करते हैं फिर भी आर पे करंट रहता है, दूसरा पॉइंट चालू करते हैं फिर भी आर पे करंट रहता है और एस पे करंट रहता है दूसरा पॉइंट पे और पहला पॉइंट पे ए पे। तो दोस्तों ये रहा पार्किंग का, जैसे हम हेडलाइट चालू करते हैं तो पहले पार्किंग चालू करते हैं, तो ये इस पर पार्किंग के कनेक्शन करेंगे, इस पर लो बीम के कनेक्शन करेंगे, इस पर हाई बीम के कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों हमें आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं सॉरी आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो मैं फिर से एक बार समझा रहे हैं। ये रहा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये रहा निगेटिव टर्मिनल। ये निगेटिव टर्मिनल ये मेरा टेस्टिंग लैंप है, इसका दे दिया है और ये पॉजिटिव स्विच के इस पर दे दिया है। अभी हमारा स्विच बंद है, अभी देखिए ये टेस्टिंग लैंप है, ये इस पर डायरेक्ट पॉजिटिव आया है, इस पर करंट है। ये ए पे भी करंट नहीं है, आर पे भी करंट नहीं है और एस पे भी करंट नहीं है। जैसे हम एक पॉइंट चालू करेंगे तो दोस्तों देखिए ए पे भी करंट आ गया, आर पे भी करंट है और एस पे करंट नहीं है। जैसे हम दूसरा पॉइंट चालू करते हैं तो देखिए आर पे करंट है, एस पे करंट है और ए से करंट हट गया। तो दोस्तों ये रहा बैटरी का मेन, इस पर हम पार्किंग दे देंगे, इस पर पहला पॉइंट चालू करेंगे या दूसरा, इस पर करंट रहता है।